हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस विद रूपाली शर्मा में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधि और उसकी भेद। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आएगा, और अगर टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का सामान्य अर्थ क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल मिलाप। जिस तरह से हम अपने पड़ोसी राज्यों में देखते हैं, हम संधि करते हैं, है ना, उससे क्या है कि दो पड़ोसी राज्यों में आपस में मेल मिलाप है। कुछ एक राज्य की बात मानी जाती है तो दूसरे राज्य की भी बात मानी जाती है, और उनमें आपस में क्या रहता है, मेल मिलाप रहता है। इसी प्रकार से हिंदी में भी संधि का सामान्य अर्थ क्या है, मेल मिलाप, मतलब दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। अब हम आते हैं संधि के भेद पर। तो स्टूडेंट्स, संधि के कुल तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, और फिर है विसर्ग संधि। जो आपका सबसे पहला स्वर संधि है उसमें क्या मेल मिलाप होता है, उसमें स्वर का मेल स्वर से होता है, ठीक है। और जो आपका व्यंजन संधि है उसमें क्या मेल होता है, उसमें आपका व्यंजन जो है वो आपके स्वर से मिल सकता है, या व्यंजन जो है वो आपके व्यंजन से मिल सकता है। और जो आपका तीसरा है विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग का मेल क्या है, स्वर से हो सकता है, या विसर्ग का मेल आपका व्यंजन से हो सकता है। अब मैं इसको आपको उदाहरण के तरीके से समझाती हूँ। अब स्वर संधि में देखिए, स्वर संधि में क्या है, स्वर आपका स्वर से मिलता है, एक ही तरीका होगा। फिर जो व्यंजन संधि है उसमें आपके तीन तरीके आते हैं, व्यंजन स्वर से मिल सकता है, स्वर व्यंजन से मिल सकता है, या व्यंजन जो है वो आपका व्यंजन से मिल सकता है। समझ आ गया। और जो आपका लास्ट है विसर्ग संधि, उसमें आपके दो एग्जाम्पल्स आते हैं। उसमें क्या है, पहला है आपका विसर्ग जो है वो स्वर से मिल सकती है, या जो विसर्ग है वो आपके व्यंजन से मिल सकती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि स्वर विसर्ग से क्यों नहीं मिल सकता, या व्यंजन विसर्ग से क्यों नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण आपका विसर्ग हो सकता है, लेकिन जो आपका दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण आपका विसर्ग नहीं हो सकता। आगे जब हम उदाहरण करेंगे तब आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया संधि और उसके भेद के बारे में, और अब हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, अब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि क्या है, स्वर संधि आपके दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार जो होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब दो स्वर जो आप ये पढ़ रहे हो, दो स्वरों के मेल से, ये दो स्वर कहाँ से उठाए जाते हैं, आपके पास दो शब्द दिए जाते हैं, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है उनका आपस में मेल होता है, और उन दो वर्णों के मेल से जो नया आपका विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। वो आपकी स्वर संधि हो सकती है या कोई और संधि हो सकती है, ठीक है। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो जो सबसे पहले आपकी दीर्घ संधि है उसका हम सूत्र जान लेते हैं। तो पहला उसका सूत्र क्या है, देखो आपको बताया था स्वर का मेल जो है किससे होता है, स्वर से होता है, है ना, आपको ये स्वर संधि के बारे में बताया गया है। अब दीर्घ संधि में क्या होगा, जो आपका पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो या अ आ, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या होगा, वो भी अ आ होगा, मतलब अ आ आपके अ आ से जुड़ेगा, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें दीर्घ स्वर देगा, आ देगा, ठीक है। इसमें आपके अ अ से मिल सकता है, अ आ से मिल सकता है, या आ अ से मिल सकता है, या फिर आ आ से मिल सकता है, तो ये सब मिलके क्या देंगे, हमें आ ही देंगे, हमेशा दीर्घ स्वर ही देंगे, ठीक है। और जैसे आपका दूसरा है ई,
छोटा ई या बड़ा ई वो आपके छोटे ई या बड़े ई से मिलता है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, बड़ा ई ही मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगला है ऊ, ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये चाहे आपके छोटे ऊ या बड़े ऊ से किसी से भी मिले, ये आपको हमेशा क्या देगा, बड़ा ऊ ही देगा। और उसी तरीके से लास्ट में है आपका री, री में क्या है, री आपका री से मिलता है, तो वो आपको री ही देगा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अ आ ई ई ऊ ऊ और री तक जो हमने पढ़ा, ये जब इन्हीं से मिलते हैं, अ आ से ही मिलेगा या ई ई से मिलेगा, उ ऊ से मिले, चाहे दीर्घ है चाहे लघु है, हमेशा हमें बदले में क्या मिलेगा, दीर्घ स्वर ही मिलेगा। अ आ वाले में आ मिलेगा, ई ई वाले में हमें दीर्घ ई मिलेगा, और उ ऊ में हमें ऊ मिलेगा, और री में हमें री मिलेगा। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या होगा, देखिए हमने पहला सूत्र लिया जिसमें अ आ छूटता है अ आ से और हमें क्या देता है, आ देता है, ठीक है। अ चाहे आपके अ से मिले, आ से मिले, जिससे भी मिले, वो हमेशा हमें आ ही देगा। अब इसको आप देखिए किस तरीके से, जैसे पहला आपका शब्द है अधिक प्लस अंश, ठीक है। अब ये जो इसमें है अधिक, उसमें आप देखो अ धी और क, क जो है उसमें किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अ की आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, अ है, ठीक है। और जो आपका अगला शब्द है अंश, अंश में आपका पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण है अ, तो इसमें किस चीज़ का मेल हो रहा है, अ का अ से मेल हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमने सबसे सही तरीका क्या है कि जिस तरीके से आपका गलत भी ना हो, हमेशा जो ये आपके शब्द हैं इनका वर्ण विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अधिक लेंगे, अधिक में हम क्या लिखेंगे, अ धी क, क में आपका क्या आ गया, क हलंत प्लस अ आ गया, ये आपके पहले का हो गया। और अगला है अंश, अंश का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, अ प्लस आधा न प्लस श प्लस अ, ये आपने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब इसमें अ को आपने अ से जोड़ना है ना, अ अ हमें क्या मिलता है, हमें पता है सूत्र में अ अ से मिलेगा, तो वो हमें आ देगा, तो अ अ जुड़ के बन जाएगा आ, ठीक है। और ये आ जो है, अब ये आ किस में जोड़ देंगे हम, अ धी क हलंत जो है उसमें ये आ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया अधिका, और आगे है आधा न श न श, ठीक है। तो आधा न जो है वो अंक की मात्रा बन जाएगी, और इस तरीके से ये आपका शब्द बन जाएगा अधिकांश, ठीक है। तो अधिक प्लस अंश जो है वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया अधिकांश। अब इस अधिकांश शब्द को हम लेते हैं और ज़रा इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, अधिकांश है, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे होगा, अ प्लस ध हलंत प्लस इ प्लस क हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। और अगर आपको ये वर्ण विच्छेद समझ नहीं है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप उससे जाके वर्ण विच्छेद भी देख सकते हो, ठीक है। तो अधिकांश जो है उसमें क्या है, अधिकांश का ये वर्ण विच्छेद बन गया, और इसको हम जोड़ेंगे तो देखो अ ध ई प्लस क हलंत प्लस आ। अब यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है ना आ, तो आपको पता है ये जो आ है इसको हम कैसे ये आ आपके पास कैसे आया था, आ आपके पास आया था अ आ से मिलकर, अ या आ जो है वो अ या आ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया, अधिक प्लस अ आ प्लस अ आ प्लस न हलंत प्लस श लिख दिया, ठीक है। अब ये जो अ और आ है इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो हमारा क्या बन गया, अ धी क के साथ ही अ को जोड़ेंगे पहले, तो अधिक बन गया, ठीक है। और फिर इसी अधिक क हलंत के साथ अगर आ को जोड़ते हैं तो बन गया अधिक का, यहाँ पर दो शब्द हमारे पास आ गया, पहला शब्द अधिक, दूसरा शब्द अधिक का, ठीक है। और उस तरफ हम देखेंगे ये जो अ आ है ये इनसे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अगर अ को जोड़ते हैं तो अ न श अंश बन गया, और आ न श ये बन गया आंश, तो यहाँ पर भी दो शब्द बन गए, अंश और आंश। अब हम यहाँ देखेंगे अधिक जो है, अब इसके पास यहाँ पे हमें सार्थक शब्द लेने हैं, अधिक का मीनिंग होता है अधिक का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, अधिक को लिया। और अगले में अंश का मतलब होता है और आंश का कोई मतलब नहीं होता, तो आंश को भी क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास दो सार्थक शब्द आए, क्या क्या, अधिक
और अंश, तो अधिक और अंश इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। तो अधिक प्लस अंश जो है वो अधिकांश का विच्छेद करके बन गया। अब हमारा दूसरा सूत्र है ई ई और ई ई, आपस में क्या बनते हैं, वो आपके पास ई बनते हैं, मतलब छोटा ई बड़ा ई जो है आपस में किसी भी तरीके से मिले तो वो क्या देगा, हमें हमेशा बड़ा ई ही देगा, दीर्घ ई देगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप देखिए, आपके पास पहला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है वो है रवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो अब रवि प्लस इंद्र में क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपको मैंने बताया है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द है रवि, उसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, ठीक है। और दूसरा शब्द है इंद्र, इंद्र का आपके पास क्या लेंगे हम, दूसरे शब्द का हमने प्रथम वर्ण लेना है, तो दूसरा शब्द जो इंद्र है उसका प्रथम वर्ण क्या है, उसका प्रथम वर्ण है ई, ठीक है। तो हमने रविंद्र, इसको हमने पहले इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, र प्लस व हलंत प्लस ई, ठीक है, ये हो गया लास्ट। और फिर प्लस इंद्र में कैसे करेंगे, ई प्लस न हलंत प्लस द्र, इसको आगे वाले को मैंने वैसे ही लिख दिया, अगला हमें विच्छेद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई और ई जो है, यहाँ पर ये आपके पास दो आ रहे हैं, छोटा ई, ठीक है। तो छोटा ई छोटे ई से मिल रहा है तो ये हमें क्या देगा, मैंने आपको बताया ये हमें देगा बड़ा ई, ठीक है। दीर्घ है तो दीर्घ संधि में बड़ा ई ही मिलेगा, छोटा चाहे बड़ा जो मर्जी आपस में मिले हमेशा बड़ा ही मिलेगा। तो ई प्लस ई की जगह हम लिख सकते हैं ई, बड़ा ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा र व हलंत प्लस ई, ये बन गया रवि, ठीक है, बड़ा ई है तो बड़े ई की मात्रा बन जाएगी, बड़े ई की मात्रा लगा के बन गया रवि। फिर आधा न प्लस द्र, ये बन गया नद्र, तो ये हमारा वर्ड बन गया रविंद्र, ठीक है। आधे न को हम बिंदी की तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये बन गया रविंद्र, ओके। अब ये जो रविंद्र वर्ड है चलिए ज़रा इसका हम अब विच्छेद करके देखते हैं। तो रविंद्र शब्द है, इसका विच्छेद हम करेंगे, तो विच्छेद करने के लिए मैंने बताया आपको पहले तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद में कैसे आएगा, देखो र हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये इस रविंद्र का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब इस वर्ण विच्छेद में आप देखेंगे आपके पास कहाँ पर ई आ रहा है, ई हमारा यहाँ आ रहा है सेंटर में, ठीक है। तो ये जो ई है, अब ये ई आपके पास हमने सूत्र से देखा था, ठीक है, कि सूत्र होता है आपके जो हमने इसमें देखा था कि छोटा ई बड़ा ई जो भी है वो आपस में हमें बड़ा ई ही देगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ई ई, ये ई ई से जोड़ेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, जो र व हलंत है उसमें पहले छोटे ई को डाल के देखते हैं, है ना, ये बन गया रवि। फिर व में हम बड़े ई को डाल के देखते हैं, ये बन जाएगा रवि, है ना। तो यहाँ तो दो शब्द आ गए, रवि और रवि। और उस तरफ अगर हम देखते हैं, उस तरफ हम छोटा ई बड़ा ई भेजेंगे तो वहाँ क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा इंद्र और दूसरा बन जाएगा इंद्र। अब यहाँ भी दो शब्द बन गए, तो अब यहाँ पर रवि जो है वो ठीक है, शाब्दिक अर्थ उसका जो वो सार्थक मीनिंग हमें मिल रहा है रवि का, और रवि जो है जिसमें बड़ा ई है वो गलत है, ठीक है। और उसी तरीके से इंद्र और इंद्र में हमारा जो ये इंद्र है जो छोटे ई वाला है वो सही है, और जो बड़े ई वाला इंद्र है वो गलत है। तो हमने इसमें कौन से दो शब्द ले लिए, रवि प्लस इंद्र, तो रविंद्र का हमारे पास संधि विच्छेद करके क्या बना, रवि प्लस इंद्र। इज इट क्लियर। अब अगला जो आपका सूत्र है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका है वो क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है वो छोटे ऊ या बड़े ऊ किसी से भी मिलता है तो वो हमेशा हमें क्या देगा, बड़ा ऊ ही देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपका शब्द है लघु प्लस उत्तर, ठीक है। तो पहला शब्द जो लघु है उसमें आपका लास्ट वर्ण क्या है, ऊ है, और जो दूसरा शब्द उत्तर है उसका पहला वर्ण क्या है, वो भी ऊ है, ठीक है। तो इसको हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं, ल प्लस घ हलंत प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस त त र, ठीक है। ऊ और ऊ जो हैं वो हमने देखा सूत्र में ऊ
छोटा ऊ बड़े ऊ से किसी से भी आपस में मिलता है, चाहे छोटा ऊ छोटे ऊ से मिलता है, तो वो हमेशा हमें क्या देगा, बड़ा ऊ ही देगा। ठीक है, तो ऊ और ऊ जब आपस में मिलेंगे तो ये हमें दे देंगे बड़ा ऊ। तो यहाँ हमारे पास बड़ा ऊ आ गया। अब ये बड़ा ऊ किस में मिल जाएगा, ये घ हलंत में मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रा लगा के मात्रिक रूप में बदल जाएगा और ये हमारे पास बन गया लघु त त र, इसको ऐसे लिख देंगे लघुतर। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया लघुतर। ओके, और अब इस लघुतर को, ये शब्द है, इसको हम विच्छेद करके देखते हैं, तो इसका भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, ल हलंत प्लस अ प्लस घ हलंत प्लस ऊ, ठीक है, क्योंकि बड़ा ऊ है, प्लस त हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बड़ा ऊ आ रहा है, फाइन। तो ये बड़ा ऊ आपको पता है ये कैसे मिला, आपका बड़ा ऊ जो है वो दो कंडीशन से मिलता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये जब छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिलता है तो हमें बड़ा ऊ मिलता है, फाइन। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, जो कंडीशन थी उसको लिख दिया। अब ये जो छोटा ऊ बड़ा ऊ है, इसको हम पहले शब्द की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया ल घ में जब छोटा ऊ जुड़ेगा तो बन गया लघु, और घ में जब बड़ा ऊ मिल जाएगा तो बन जाएगा लघु, फाइन। ये दोनों शब्द हमने लिख दिए। और जो अगला है ऊ ऊ, वो हम उधर भेज देंगे, तो वहाँ जाकर पहले छोटे ऊ से हमारा शब्द बन जाएगा उत्तर, फिर बड़े ऊ से हमारा शब्द बन जाएगा उत्तर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे दो शब्द आ गए, लघु और लघु। तो जो बड़े ऊ वाला लघु है वो गलत है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, और जो लघु है छोटे ऊ वाला वो हमारा सही है। और उसी तरीके से उत्तर, जो बड़े ऊ वाला उत्तर है वो गलत है, जो छोटे ऊ वाला उत्तर है वो सही है। तो ये हमारे जुड़ के क्या बन जाएंगे, लघु प्लस उत्तर। तो लघुतर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो बन जाएगा लघु प्लस उत्तर। अब जो दीर्घ संधि है उसका अंतिम सूत्र क्या है, आपका री, री से मिलता है, तो हमें क्या देता है, री ही देगा। ठीक है, अब जैसे मातृ प्लस ऋण है, अब मातृ जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है री, और जो ऋण शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, री। तो री जो है वो री से मिल रहा है, तो ये हमें क्या दे देगा, री, री से मिलकर री ही बनता है ना, और ये क्या बन जाएगा, मातृ ऋण, मातृण बन जाएगा, फाइन। अब मातृण जो शब्द है उसको हम इसका विच्छेद करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, म प्लस आ प्लस त हलंत प्लस री प्लस ण हलंत प्लस अ। अब इसमें री जो है इसकी दो कंडीशंस नहीं है, इसकी एक ही कंडीशन है, री, री से मिलता है। ठीक है, तो इस री को हमने री, री लिख दिया, और ये वाला री जो है हमारा प्रथम वर्ण शब्द की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मातृ, और जो दूसरा री है वो हमारे दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में चला जाएगा, तो वहाँ जाके वो बन जाएगा ऋण। तो ये हमें क्या दे देगा, मातृ प्लस ऋण दे देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको संधि और उसके भेद के बारे में बताया। आज हमने स्वर संधि का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा दीर्घ संधि था उसको कंप्लीट कर दिया है। बाकी के जो हमारे इसके भेद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।